नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग पिकअप पाइल करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनकी आपकी तरफ भावनाएं क्या हैं। व्हाट आर द पर्सन्स ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। तो ये एक 9 कार्ड का हम टैरो स्प्रेड करेंगे, जहाँ पे हम पास्ट सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन, उनकी आपकी तरफ ये सिचुएशन के बारे में क्या सोच है, उनके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, उनके आपके तरफ फीलिंग्स, वो ये रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं, आपको इस रिलेशनशिप के बारे में क्या जानना चाहिए, और आपके लिए एडवाइस और आउटकम। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्प्रेड है, जिसमें आपके बहुत सारे जो प्रश्न हैं इस रिलेशनशिप के बारे में और ये इंसान के बारे में, हम उनकी आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो एज़ यूजुअल हमारे सामने 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 इज़ द क्लियर क्वार्ट्ज, पाइल नंबर 2 इज़ द एमेथिस्ट एंड पाइल नंबर 3 इज़ द रोज क्वार्ट्ज। आपके इंसान के बारे में सोचें, एक पाइल पिकअप करें एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग। थैंक यू। हाय, वेलकम बैक पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये क्लियर क्वार्ट्ज सिलेक्ट किया था। आइए जानते हैं कि जिनके बारे में आप सोचते हैं उनकी आपकी तरफ भावनाएं क्या है। काफ़ी लंबा स्प्रेड है, अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता तो आप प्लीज़ दूसरे 2 पाइल्स में देखें, अगर वहाँ पे रेजोनेट होता है। अगर आप रिटर्निंग व्यूअर्स हैं तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड वेलकम बैक। अगर आप नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। इट हेल्प्स माई चैनल ग्रो। मेरे साथ अगर आप फ्री रीडिंग चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टैरो बिगनर्स लर्निंग कोर्स, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो उसके डिटेल्स भी नीचे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। 9 कार्ड का हम आज एक ये स्प्रेड करेंगे, जिसमें कोशिश यही होगी कि आपके सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल सके। स्टैंड दे लेते हैं यहाँ पे। ओके, व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट, देयर इज नो राइट और रॉन्ग। एवरी चॉइस यू मेक एक्सपैंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। तो आपको ये का मैसेज यही आपको मिलता है कि प्यार में कुछ सही और गलत नहीं होता। आप जो भी चॉइस आप प्यार में करते हैं वो आपकी ज़िंदगी को और बड़ा बनाता है, आपकी सोच को और बड़ा करता है। तो प्यार में कुछ सही और कुछ गलत नहीं होता। ठीक है, ये बाकी एज हम स्प्रेड में आगे जाएंगे तब हम ये कार्ड्स देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for all my friends who've chosen pile number 1. Thank you. तो हम देखेंगे उनका पास्ट सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है आपके रिलेशनशिप का। पास्ट में आपके रिलेशनशिप में क्या हुआ था, प्रेजेंट में आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, और जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, फिर आगे जाएंगे। वन मोर प्लीज, थैंक यू। तो पास्ट में पास्ट सिचुएशन क्या था। ओके, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं पास्ट में, आप और आपके और उनके बीच में इक्वल गिव एंड टेक था। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अर्थ साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आप रिलेशनशिप में खुश थे, आपको लग रहा था कि आप और आपके जो पार्टनर हैं इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में कर रहे थे। जितना आप एफर्ट एनर्जी रिलेशनशिप में डाल रहे थे उतना ये इंसान भी रिलेशनशिप में डाल रहे थे। ये पास्ट में आपकी एनर्जी है रिलेशनशिप की। प्रेजेंट में 7 ऑफ कप्स हैं, तो जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इंसान शायद कंफ्यूज्ड हैं कि रिलेशनशिप में आगे कैसे बढ़ना है, या उनकी ज़िंदगी में कोई और है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या जाए। ये सिचुएशन का कार्ड है। तो राइट नाउ आपका जो रिलेशनशिप है उसका जो सिचुएशन है वो पूरा कन्फ्यूजन है। आप शादीशुदा हो सकते हैं, ऑन अ ब्रेक हो सकते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी है। राइट नाउ सिचुएशन यही है, प्रेजेंट सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप की। या तो आप कन्फ्यूज्ड हैं
किसकी तरफ जाएं, या आपके सामने और ऑप्शंस भी हैं प्यार में जिसको आप चूज़ करना चाहते हैं या वो चूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, हिज थॉट्स ऑन दिस रिलेशनशिप, ये ऑन दिस सिचुएशन। तो ये जो सिचुएशन है उसमें आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनकी थॉट्स क्या हैं, उनके विचार क्या हैं। तो यहाँ पे मेजर अरकाना है, यहाँ पे नंबर 10, दिस इज़ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यू कुड बी डीलिंग विद अ टॉरस, लियो, अक्वेरियस और स्कॉर्पियो। लक का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है, फॉरवर्ड थिंकिंग का कार्ड है। तो आपके जो पार्टनर हैं वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप में वो आगे बढ़ें, पॉजिटिव कार्ड है, चाहते हैं कि रिलेशनशिप में कुछ नई शुरुआत हो, जो कन्फ्यूजन है उसको पीछे करें। लेट्स सी आगे ये रीडिंग में कैसे जाता है। ओके, आपके बारे में आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, व्हाट इज़ ही थिंकिंग अबाउट मी, आपके बारे में आपके ये पार्टनर क्या सोचते हैं। 10 of Wands का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जब आपके बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि थोड़ा सा उनको बर्डन है, थोड़ा सा उनको बोझ लग रहा है। शायद आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपके पार्टनर से, मे बी आप कमिटमेंट चाहते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो मे बी आप कहते हैं कि नया घर ला दो, नई गाड़ी ला दो। एंगेजमेंट है तो कहते हैं शादी कर लो, एंगेज नहीं है तो कहते हैं कि ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओ। तो आपके बारे में उनको लगता है कि शायद आपके डिमांड्स काफ़ी हैं उनसे, और शायद ये भी हो सकता है कि उनको लगता है कि आप ऐसे इंसान हो जो ये रिलेशनशिप के बारे में बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं ये रिलेशनशिप के बारे में। और ये भी उनको लगता होगा कि ये रिलेशनशिप में आप, इस रिलेशनशिप में आप ज़्यादा दे रहे हैं और वो कम दे रहे हैं। आपके बारे में स्पेसिफिक फीलिंग्स क्या हैं, बिकॉज़ ये तो आपके बारे में सोचते थे, स्पेसिफिक फीलिंग्स आपके बारे में क्या हैं, आपके बारे में फील क्या करते हैं वो। ओके, 8 of Wands का कार्ड है यहाँ पे, एनर्जी, पैशन, मूवमेंट, एंथुजियाज्म, और फिर व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको आपके साथ इकट्ठा मूव होना चाहते हैं। जब ये फीलिंग्स में कार्ड आता है तो पॉजिटिव कार्ड है, आपके साथ कम्युनिकेशन ओपन करना चाहते हैं, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके साथ डेफिनेटली ये रिश्ता एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं। रिलेशनशिप में ये चाहते क्या हैं, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में चाहते क्या हैं। 7 of Wands का कार्ड है यहाँ पे, जब ये एक यू नो आपसे या रिलेशनशिप से या आपसे ये क्या चाहते हैं, तो चाहते हैं कि थोड़ा सा झगड़ा कम हो रिलेशनशिप में, आप थोड़ा सा पेशेंस दिखाएं रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप में डटे रहें। मे बी आपकी आदत होगी कि अगर आपके मन के जैसा नहीं होता होगा तो आप कहते होंगे कि मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए है, हम ब्रेक पे चले जाते हैं, रिलेशनशिप को ब्रेक कर देते हैं, या यू नो लेट्स कॉल दिस रिलेशनशिप ऑफ। तो वो यही चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में आप थोड़ा शांत रहें, आप डटे रहें ये रिलेशनशिप में, और अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता है, कम ज़्यादा होता है, तो आप ऐसा ना करें कि आप ये रिलेशनशिप में धमकी दें और कहें कि बस मुझे अभी रिलेशनशिप नहीं करना है। थोड़ा सा पेशेंस दें, थोड़ा सा उनको टाइम दें, इसका यही मतलब होता है। ठीक है, आगे जाके देखते हैं, व्हाट डू आई नीड टू नो अबाउट हिम, उनके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, वो ये रिलेशनशिप में उनके फीलिंग्स क्या हैं, व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट हिम, कि उनके बारे में, लेट्स फाइंड आउट। ओके, एम्परर का कार्ड है यहाँ पे, यू कुड बी डीलिंग विद एन एरीज, ये जो इंसान है वो आपसे उम्र में काफ़ी बड़े होंगे, काफ़ी डिसिप्लिन्ड होंगे, काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे, हर चीज़ उनके मन के हिसाब से ही होनी चाहिए। इसीलिए शायद आपको यू नो लगता होगा कि रिलेशनशिप में आपको शायद थोड़ा बोझ लगता होगा, क्योंकि ये जो इंसान है वो सिर्फ अपनी मन की करते हैं, मैच्योर हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस काफ़ी हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए उनको यही लगता है कि वो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है ये रिलेशनशिप में, और
ऐसा भी है कि इनको लगता है कि इनको सारी नॉलेज है, सब कुछ पता है, रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ाना है उनको ये पता है, और ये आपसे यही कहना चाहते हैं, आपको ये जानना है इनके बारे में कि ये सिर्फ बहुत मुश्किल से किसी और का सोचेंगे, ये यहाँ पे इतनी कॉन्फिडेंस से अपने थ्रोन पे बैठे हैं, एम्परर है ही इज़ द एम्परर, और यही है आपको कहना, आपको यही समझना चाहिए इनके बारे में कि इट इज़ इनका ही चलेगा या तो नहीं चलेगा। सेक्सुअली आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, आपको हर चीज़ में कंट्रोल करते होंगे, आपके लिए एडवाइस क्या है? व्हाट इज द एडवाइस फॉर यू? ओके, वाओ, यू हैव द एम्परर एंड द एम्प्रेस। आपको एडवाइस यही है कि जैसे वो हैं आप उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, आप कंपैशनेट हैं, आप नर्चरिंग हैं, आप क्रिएटिव हैं, तो डिवाइन आपको ये कहना चाहता है कि आपके रिलेशनशिप को आप एक अलग ढंग से, एक क्रिएटिव ढंग से आप उनको अप्रोच करें। अगर आपके जो एम्परर हैं वो ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि हर बात उनके मन से हो, तो डिवाइन आपको यही कहता है कि थोड़ी क्रिएटिव ढंग से आप सोचें कि आप आपकी बात कैसे मनवा सकते हैं। झूठ नहीं बोलना है, लेकिन आप ऐसे ढंग से बात करें कि अल्टीमेटली आपके एम्परर को लगे कि ठीक है, उन्हीं का डिसीजन था, लेकिन एक्चुअली आप उनसे वो चीज़ करवा रहे हैं। तो जब एम्परर और एम्प्रेस की जोड़ी आती है तो यू आर मेंट टू बी टुगेदर, इट इज़ अ डिवाइन कनेक्शन। आप लोग काफ़ी मेच्योर हैं, एज में बड़े हैं, काफ़ी अबंडेंट हैं, मटीरियलिस्टिकली आपके पास सब कुछ है, आप ओवरऑल एक सर्वगुण संपन्न लेडी हैं, एंड बिकॉज आप शायद इतनी कंपैशनेट हैं, इतनी नर्चरिंग है, इतनी शांत हैं, आप ये एम्परर के साथ आपका रिलेशनशिप बना पा रहे हैं। नहीं तो एम्परर के साथ रिलेशनशिप बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। काफ़ी होशियार हैं आप, और आपको डिवाइन यही कहता है, एडवाइस यही है कि क्रिएटिव ढंग से, नए ढंग से सोचें कि आप ये रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। ये रिलेशनशिप का आउटकम क्या है, हम जल्दी से देखते हैं। व्हाट इज द आउटकम फॉर दिस रिलेशनशिप फॉर फाइल नंबर वन? प्लीज लेट अस नो द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप फॉर फाइल नंबर वन। ओह, द वर्ल्ड, इट इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। यहाँ पे वापस चार मेजर अरकानाज हैं आपके रीडिंग में। दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट। तो अगर आप ऑन अ ब्रेक हैं या आप थोड़े रिलेशनशिप में ना खुश हैं, तो डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट आएगा आपके रिलेशनशिप में। जो मुश्किलें थी वो कंप्लीट हो गई हैं, एंड देर इज़ अ पॉजिटिव न्यू स्टार्ट। जो भी आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप को लेके जो भी प्रॉब्लम्स थे, वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगे और आप इकट्ठा एक नई शुरुआत करेंगे। रोमांस एंजल से देख लेते हैं आपके लिए क्या है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू एक्सप्रेस योर लव एंड फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो जैसे हमारे ये जो कार्ड्स में आया था कि जब एम्परर और एम्प्रेस आते हैं तो एम्परर काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, काफ़ी नार्सिसिस्टिक होते हैं, तो यू विल हैव टू लर्न टू फॉरगिव इन दिस रिलेशनशिप। एंड एम्प्रेस जो है वो औरत की भी एनर्जी हो सकती है, और फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है, और यहाँ पे द रीडिंग द एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। तो मुझे ये भी लगता है कि जहाँ पे वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, शायद उनको ऐसे लगता है कि आपका जो पास्ट रिलेशनशिप था, मे बी आप डिवोर्सी हैं और आपने नई शादी की है, या आपका एक पास्ट रिलेशनशिप था जो टूट गया था, आपका दिल टूटा था, और आप वो डर के साथ ये नए रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो आपकी पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। तो डिवाइन आपको यही कहता है कि एज यू मूव अहेड आपको फगेव और लर्न करना चाहिए। एक्सप्रेस योर लव। जब एम्परर आता है तो लव एक्सप्रेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। एंड व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट योर पार्टनर? तो इसमें आपको एम्परर आया है, सॉरी। तो जब एम्परर का कार्ड आता है तो उसका वही मतलब है कि आपके जो पार्टनर है वो थोड़ा सा रोमांटिक नहीं है, प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो आपकी भी एनर्जी हो सकती है। तो डिवाइन आपको यही कहता है कि गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। आपको प्यार का इजहार करना चाहिए, अगर आपके पार्टनर नहीं करते हैं तो एडवाइस आपके लिए एम्प्रेस है। तो आप क्रिएटिव ढंग से, नए नए ढंग से,
डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लाइफ में आप रोमांस कैसे ला सकते हैं, एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू. तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि इन योर रिलेशनशिप में भी आपके पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, बेग योर पार्डन, ऐसा भी हो सकता है कि उनका एक फ्रेंड सर्कल है जिनको जिनकी वो बात मानते हैं या जिनके साथ वो इन्जॉय करते हैं, तो उनके साथ मिलके आप ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं. आपके लिए एडवाइस ये है, ये रिलेशनशिप को पॉजिटिव करने के लिए एडवाइस यही है, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हाइस्ट गुड. तो आपको ये कार्ड यही कहता है कि पॉजिटिव एफर्मेशन आपको यही रखना है कि जो भी आप लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं वो लोग जो हैं आपके बेस्ट और आपकी अच्छाई के लिए ही रिलेशनशिप में आए हैं. एंड फॉर्च्यून रीडिंग कार्ड से आपको मैसेज है फ्लावर्स, बी जेनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट इज योर्स. बी जेनरस, जेनरस का मतलब है कि आपके रिलेशनशिप में आप उदारता जो है, जेनरोसिटी जो है, आपको वो इम्प्लीमेंट करनी है. एंड एम्प्रेस का कार्ड एडवाइस के कार्ड में भी वही है, बी मोर कंपैशनेट, बी मोर नर्चरिंग. तो जितना आप प्यार में देंगे उतना ही आपको प्यार में मिलेगा. जो जो आपके रिलेशनशिप के स्टार्ट में था, इक्वल गिव एंड टेक था, जितना आप प्यार में देंगे उतना ही आपको प्यार में मिलेगा. तो बहुत क्लियर कार्ड्स हैं यहाँ पे. थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ऑन अ ब्रेक है, जो भी है यहाँ पे यही दिख रहा है कि कुछ ऐसे चीज़ें हुई हैं आपके रिलेशनशिप में, कंफ्यूजन चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, बिकॉज प्रेजेंट में आपका रिलेशनशिप का सिचुएशन है, सेवन ऑफ कप्स का है. तो शायद कहीं ना कहीं आप लोगों को कंफ्यूजन है कि ये रिलेशनशिप आगे कैसे जाएगा, शायद हमने शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, डिवोर्स लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए. तो ये जो सिचुएशन से आप पॉजिटिवली बाहर निकलोगे एंड आप लोग इकट्ठा ज़रूर वापस आएंगे. प्रेजेंट सिचुएशन को मैं फिर से थोड़ा क्लियर करती हूँ. किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स. तो बस यही है कि आपको मेंटल क्लैरिटी रखनी है और यही डिसाइड करके आगे बढ़ना है कि हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और इसको हम आगे कैसे लेके जाएं. लास्ट एक क्वेश्चन पूछते हैं एंजल आंसर से. ये रिलेशनशिप के बारे में आप एक क्वेश्चन पूछें और हम देखेंगे कि जो एंजल्स हैं वो आपको क्या आंसर देंगे. आपका क्वेश्चन जो भी है इस रिलेशनशिप के बारे में वही आप पूछें और देखते हैं कि एंजल्स हमको क्या आंसर देते हैं. ठीक है, आपका जो भी क्वेश्चन था उसके आंसर है बिग हैप्पी चेंजेस. तो जो भी बदलाव आपके रिलेशनशिप में आने वाला है वो आपके लाइफ में खुशी ही लाने वाला है. एंड आपके सामने कार्ड शफल किए थे, आपको व्हील ऑफ फॉर्चून आया है जिसका मतलब है गुड लक आने वाला है आपके रिलेशनशिप में. और आउटकम भी जो आपका था वर्ल्ड कार्ड था. तो जो भी मुश्किलाहट थी आपके रिलेशनशिप में वो रिलेशनशिप की जो मुश्किलाहट है वो कम होने वाली है और आप पॉजिटिवली आगे जाने वाले हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर माई फ्रेंड्स हु चोज पाइल नंबर 1. अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. वॉट यू फोकस ऑन इज वॉट यू गेट एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग. हाय, वेलकम पाइल नंबर 2. आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनका आपके लिए फीलिंग्स क्या है. बहुत इंटरेस्टिंग स्प्रेड है आज का. रीडिंग करने से पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. आई तहे दिल से आप सबका स्वागत है. प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है. अगर मेरे साथ फ्री रीडिंग चाहते हैं या पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. टैरो बिगनर्स के कोर्स में अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसके डिटेल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. अगेन, ये रीडिंग सबके साथ नहीं रेजोनेट होगा. अगर ये नहीं रेजोनेट होता तो आप पाइल नंबर 1 या 3 चूज़ कर सकते हैं. दैट्स ऑल आई हैव. ओके, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. तो जिन्होंने, और अगेन एनर्जीज जो हैं वो इंटरचेंज हो सकती हैं, तो ये आपकी एनर्जीज हो सकती हैं या आपके पार्टनर की. तो जिन्होंने ये एमेथिस्ट चूज़ किया था, लेट्स सी कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं.
तो द फर्स्ट ओवरऑल यहाँ पे जो फीलिंग है या वाइब्रेशन एनर्जी है आपकी रिलेशनशिप की, एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस. एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर. देर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आर कंट्रोल. एक्सेप्ट करना है जो चीज़ें हैं उसको वैसे एक्सेप्ट करो, ये मान के कि कोई चीज़ें हमारे लाइफ, हमारे रिलेशनशिप में हैं या हो रही हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, हम उसको नहीं चेंज कर सकते. तो उसके बारे में सोच के, दुखी रह के, खुद को तकलीफ देने से जैसा है जो है उसको एक्सेप्ट करें, बिकॉज़ ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. ब्यूटीफुल मैसेज. ठीक है, ये हम आगे जाके देखेंगे आपके रीडिंग में कैसा फिट होता है. तो ये जो टैरो स्प्रेड आज हम जो यूज़ करने वाले हैं उसमें हम 9 कार्ड्स निकालेंगे. आपके रिलेशनशिप का पास्ट सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन, उनकी ये सिचुएशन के बारे में क्या फीलिंग्स हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या फील करते हैं, ये रिलेशनशिप से वो एक्चुअली चाहते क्या हैं, उनके बारे में आपको क्या जानना चाहिए, आपके लिए एडवाइस और रिलेशनशिप का आउटकम. चलिए, सो लेट्स गेट इन टू दिस रीडिंग. आर्क एंजल माइकल, माई गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस फॉर माई फ्रेंड्स हु हैव चोजन पाइल नंबर 2 विच इज़ इन द हाइएस्ट गुड. वॉट इज द पर्सनस ट्रूएस्ट फीलिंग्स अबाउट देम एंड द आउटकम. थैंक यू. One more and let's do this. All right. तो हम देखेंगे पास्ट सिचुएशन आपके रिलेशनशिप का क्या था. टेम्परेंस है पास्ट में. टेम्परेंस मेजर अरकाना है यहाँ पे. आप या आपके पार्टनर सेजिटेरियस हो सकते हैं या आप सेजिटेरियस हो सकते हैं. टेम्परेंस का कार्ड जब एक रीडिंग में आता है और पास सिचुएशन में आता है तो आई थिंक आप दोनों जो हैं या तो एक सेपरेशन से इकट्ठा होके आए थे या आप दोनों की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो आपके लाइफ को कम्प्लीटली इम्बैलेंस में आपकी लाइफ चल रही थी और पास्ट में आपने वो इम्बैलेंस को एक लेवल पे लाने की कोशिश की. तो शायद आप सेपरेशन में थे और आप लोगों ने रिकन्सिलिएशन किया या आपके पार्टनर को कुछ एडिक्शंस थे या कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ये रिलेशनशिप को कैसे टॉक्सिक कर रही थी. टॉक्सिक को क्या कहेंगे, ये रिलेशनशिप को हेल्दी नहीं बना रही थी और पास में आप लोगों ने डिवाइन की मदद से, खुद की मदद से कि हमको ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है, कुछ ऐसी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में की जिससे आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आया और एक लेवल आया. प्रेजेंट में आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, लेट्स सी व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ योर रिलेशनशिप. दो कार्ड्स नहीं चाहिए. What is the present of your relationship? Okay, Two of Pentacles का कार्ड है, अर्थ साइन है यहाँ पे, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन. राइट नाउ आप और आपके पार्टनर जो हैं आपके रिलेशनशिप में, आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें, आगे जाएं, नहीं जाएं. फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, किसी को करियर चूज़ करना है या प्यार चूज़ करना है, डिवोर्स करके किसी और को चूज़ करना है, सगाई करनी है, नहीं करनी है, जो भी आपकी स्टोरी है. राइट नाउ आपका जो रिलेशनशिप है उसका सिचुएशन यही है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, या समझ नहीं आने से दो चीज़ें जो हैं आप एक टाइम कोशिश कर रहे हैं बैलेंस करने की, कि प्यार भी संभाल रहे हैं, काम भी संभाल रहे हैं, घर में कोई है जो पेरेंट्स हैं या रिश्तेदार हैं जो ये रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं उनको संभाल रहे हैं और आपके पार्टनर को भी संभाल रहे हैं. तो टू मेनी थिंग्स. आप ये रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए या बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, आप और आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैनेज करनी पड़ रही हैं, जिसके कारण थोड़ा रिलेशनशिप में तनाव आ रहा है. ये जो सिचुएशन है अब आपकी, प्रेजेंट सिचुएशन जो है आपके रिलेशनशिप में, उसमें आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, ये सिचुएशन के बारे में आपके रिलेशनशिप के ये पार्टनर क्या सोचते हैं.
नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। थक चुके हैं आपके पार्टनर, डटे हुए हैं कि नहीं ये रिलेशनशिप को चलाना है, कुछ भी हो जाए ये रिलेशनशिप को चलाना है, हार नहीं माननी है। तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर सच में चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप टूटे नहीं, ये रिलेशनशिप बरकरार रहे, और इस रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए काफ़ी उनको चीज़ें मैनेज और एडजस्ट करनी पड़ती हैं। ये इंसान अकेला खड़ा हुआ है, डटा हुआ है, लोगों ने उसको मारा है, पीटा है, टूटा हुआ इंसान है, लेकिन हार नहीं मान रहा, हिम्मत नहीं छोड़ रहा। तो आपके पार्टनर की ये रिलेशनशिप के बारे में, ये सिचुएशन के बारे में यही है कि कुछ भी हो जाए ये रिलेशनशिप में रहना है, कुछ भी हो जाए ये रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं है। अगर आप सेपरेशन में भी हैं तो भी इनके दिमाग में यही चल रहा है कि मैं फ्यूचर में कुछ भी हो जाए आगे जाके कुछ ना कुछ करेंगे कि ये रिलेशनशिप बरकरार हो और रिकन्सिलिएशन हो या हम प्यार में वापस जुड़ जाएं। आपके बारे में पार्टनर क्या सोचते हैं? What does your partner think about you? आपके बारे में दो कार्ड निकालेंगे, आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपके बारे में क्या फील करते हैं। ओके ओके, क्या सोचते हैं एंड व्हाट डज योर पार्टनर फील अबाउट यू? व्हाट डज ही थिंक अबाउट यू एंड व्हाट डज ही फील अबाउट यू? व्हाट डज योर पार्टनर फील अबाउट यू? वन कार्ड प्लीज। व्हाट डज योर पार्टनर फील अबाउट यू? ओके, ऑल राइट। आपके बारे में आपके पार्टनर यही सोचते हैं कि ये रिलेशनशिप में आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, आप ऐसे इंसान हैं जो दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं। आप चाहते हैं कि प्रैक्टिकली जो ये रिलेशनशिप में सही है आप वो करें। तो जब सिचुएशन आपकी प्रेजेंट में यही है कि कोई चीज़ों को एडजस्ट करना है, कोई चीज़ों को बैलेंस करना है, तो आप आपके पार्टनर को यही कहते हैं कि इतनी सोचने की क्या ज़रूरत है, आप मेरे से प्यार करते हैं, मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो हमको बस इकट्ठा होना है और इसका क्या दूसरा और कुछ मतलब हो ही नहीं सकता। और आपके पार्टनर आपके बारे में, आप और आपके पार्टनर शायद अलग हो सकते हैं, डिस्टेंस है आप में, या तो आप ब्रेक पे हैं या काम पे वो कहीं और है, या आप इकट्ठा नहीं हैं, शायद ऐसा भी हो सकता है। और फीलिंग्स आपके पार्टनर की ये आपके बारे में वो क्या फील करते हैं, तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप उनके पास आ जाएं। आपके पार्टनर जानते हैं कि आप उनका वेट कर रहे हैं और आप भी आपके पार्टनर का वेट कर रहे हैं। तो अगर आप ऑन अ ब्रेक भी हैं तो मुझे लगता है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, आपके कंट्रोल में कुछ चीज़ें नहीं हैं जिसके कारण आप सेपरेट हो गए हैं और आपके पार्टनर आपके लिए वेट कर रहे हैं। आपके पार्टनर ये भी फील करते हैं कि आप ऐसे इंसान हैं जो जल्दी से हार नहीं मानते और कोशिश करते रहते हैं, दिमाग से सोचते हैं कि हर चीज़ का सोल्यूशन कैसे ढूंढें। आपके पार्टनर आगे क्या चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में आगे क्या हो? लेट्स सी कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में आगे क्या हो। ओके, वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। आप या आपके पार्टनर लियो हो सकते हैं, चाहते हैं कि हिम्मत से आगे बढ़े, चाहते हैं कि रिकन्सिलिएशन हो। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, तो अगर आप ऑन अ ब्रेक हैं या सेपरेटेड हैं तो आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भगवान से दुआ कर रहे हैं कि आप उनके पास जल्दी आ जाएं। इसका ये मतलब है कि आपके पार्टनर यही चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन है उसको हम लोग एड्रेस करें, मैंने मूव फेस द सिचुएशन, मैंने हिम्मत रखे और जो सिचुएशन है उसमें हम उड़ी मार के, जो सिचुएशन है जो हमारे तरफ आ रहा है उसको हम फेस करें और विदाउट फियर और हिम्मत रख के हम इसमें जीत पाएं। तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में या तो सेपरेशन है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, या काम के लिए फाइनेंसेस के कारण आप अलग हैं, तो आपके पार्टनर यही चाहते हैं कि हिम्मत से जो भी आपकी सिचुएशन है उसको फेस करें और एक दूसरे के पास आए। तो डेफिनेटली प्रेजेंट में जैसे ये पेंटिकल, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है। इट इज़ द कार्ड ऑफ डुअलिटी बट इट इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ
पार्टनरशिप एंड फाइंडिंग बैलेंस। तो आपके पार्टनर यही चाहते हैं कि रिलेशनशिप में जल्द से जल्द बैलेंस फाइंड करें और हिम्मत जुटा के आगे जाएं। ठीक है, अभी देखते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं उनके बारे में कुछ जानते हैं कि आपके पार्टनर कैसे हैं। और अरे वाह, हायरोफेंट है विच इज़ द कार्ड ऑफ द टॉरस का कार्ड है, लेकिन हस्बैंड का कार्ड है। तो ये जो इंसान है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ये आपसे शादी करना चाहता है, या आपको जब देखता है तो, या तो आप इनसे ऑलरेडी शादीशुदा हैं, या आपकी तरफ जब वो देखते हैं तो वो ऐसे ही बिहेव करते हैं या ऐसे ही सोचते हैं कि ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं। काफ़ी भगवान में, ईश्वर में, अल्लाह में, गॉड में, डिवाइन में काफ़ी बिलीव करते होंगे, रिलीजियस होंगे, किताबें पढ़ना अच्छा होगा, टीचर हो सकते हैं, सीखना अच्छा होगा, अच्छा लगता होगा, दूसरों को सिखाना भी अच्छा लगता होगा। ये जो इंसान है ये आपके बारे में काफ़ी सीरियस हैं, वो चाहते हैं कि आप लोग शादी में बन जाएं और आपको लॉन्ग टाइम कमिटमेंट देना चाहते हैं वो। इसीलिए ये सिचुएशन के बारे में जब हमने पूछा था कि ये सिचुएशन के बारे में उनके क्या थॉट्स हैं, तो डटे हुए हैं कि जिन कुछ भी हो जाए मुझे ये रिलेशनशिप को नहीं छोड़ना है। तो ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं या आपके साथ शादी डेफिनेटली आगे जाके करेंगे या करना चाहते हैं। ब्यूटिफुल कार्ड्स। ठीक है, आपके लिए एडवाइस क्या है, व्हाट इज़ दी एडवाइस फॉर यू, ये रिलेशनशिप में आपके लिए एडवाइस क्या है। ठीक है, एट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, इसका ये मतलब है कि आप कहीं ना कहीं डर रहे हैं। आप एडवाइस ये है कि डर छोड़ दो, और डर के कारण जो आप बन चुके हो वो आपके डर से बाहर निकले, बिकॉज आपको हिम्मत रखनी है, आपको करज रखना है। वॉट ही वॉन्ट्स, ये कार्ड किसके लिए आया था कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप हिम्मत रखें और ये रिलेशनशिप में आगे जाएं, करेक्ट। और यहाँ पे एडवाइस में क्या आया है कि आप डरे हैं, आपने मन में, पता नहीं आपका, या तो जो आपकी सिचुएशन है, मे बी थर्ड पार्टी है, मे बी डिवोर्स्ड हैं आप, और या किसी से डिवोर्स करके आपके कार्मिक पार्टनर को छोड़ के आप आपके इंसान के साथ आना चाहते हैं, पेरेंट्स नहीं मानते हैं, कुछ जो भी आपका प्रॉब्लम है ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये आपके दिमाग में डर है। आपने खुद सोच सोच के इतना खुद को डरा दिया है कि आगे जाके क्या होगा कि आपने खुद बेड़ियाँ बांध के रखी हुई हैं आपकी तरफ, जो आप ये ईजिली तोड़ सकते हैं। एडवाइस आपके लिए यही है कि आप डरे ना और आप बहुत ओपनली आगे जाएं। आपके पार्टनर जो हैं वो डटे हुए हैं कि वो आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो एडवाइस आपको यही है कि डरे ना, गेट ओवर द फियर, जो आपने खुद अपने लिए जो ट्रैप बनाया है, जो आपने खुद डर के कारण, आप जो डर के पिंजरे में जो आप बन चुके हों उसको तोड़ के आप बाहर आएं। व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा, what do we need to know about the outcome of this relationship, please give us one card, what do we need to know about the outcome of this relationship, okay, you have the knight of wands, iska matlab hai ki bahut jaldi quickly kuch solution aapko aapke relationship mein milega, aapke relationship mein positive movement hogi, positive action hoga, ye jo insaan aapki taraf aayega enthusiastically aayega, himmat se aayega, ऑफ़ कोर्स अट्रैक्शन काफ़ी है आपके लिए, और चाहता है कि आप के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, आपके साथ इंजॉय करें, और ये रिलेशनशिप को ग्रो करें इन द नाउ, मैंने अभी जो चल रहा है उसमें से निकल के ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाएं। तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग, लेट्स सी रोमांस एंजल से क्या, ओ वाओ, ओके, ये कार्ड मैंने आपके सामने अभी निकाले थे, ये पहले निकाले थे, और आप ज़रा देखो कि ये कैसे मैच होता है, बहुत मज़े का लगता है मुझे। सेपरेशन है, रिकंसिलिएशन है, एंड ट्रू लव है। तो जैसे कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि शायद आप लोग सेपरेशन में हैं
और रिकन्सिलिएशन के लिए आपको हिम्मत रखनी है, आपके जो पार्टनर है वो आपसे शादी करना चाहते हैं। हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पे निकला था, तो अगर आप सेपरेशन में हैं तो रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा। आपके पार्टनर फ्यूचर आउटकम जो हैं बहुत एनर्जी से, एंथुजियाज़म से, बहुत पैशन से आपकी तरफ आएंगे और आपको प्रपोज करेंगे। एंड जो सेपरेशन था वो सेपरेशन ख़त्म हो के यू विल डेफिनेटली गो इन टू अ रिकन्सिलिएशन एंड यू हैव ट्रू लव। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपसे सच्चे में प्यार करते हैं। एडवाइस ओवरऑल आपको क्या है, पर्पस, आई नो वॉट आई एम हेयर टू डू। तो प्यार के बारे में ये जब आता है, यू नो आई नो वॉट आई एम हेयर टू डू, जो आपका पर्पस है ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए जो आपका सोल पर्पस है आप उसको फॉलो करें। और वाह, फॉर्चून टेलिंग कार्ड से आपके लिए है मैरिज। यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनल फुलफिलमेंट एंड अनकंडीशनल लव। ये पाइल जो है पाइल नंबर टू, यू हैव द हायरोफेंट कार्ड, ठीक है, विच इज़ द कार्ड ऑफ द मैरिज, विच इज़ द कार्ड ऑफ द हस्बैंड, और ये आपके सामने हमने शफल करके निकाला था। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब पॉजिटिव रीडिंग्स आते हैं, तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं जहाँ पे आप डरे हुए हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा आप ये सिचुएशन से कैसे आगे निकले, आप आपके प्यार की तरफ कैसे जाएंगे, आप ये रिलेशनशिप में बैलेंस कैसे पाएंगे, जो भी आपका सिचुएशन है, जैसे मैंने कहा था यू नो एंगेज, नॉट मैरिड, सेपरेटेड, जो भी है, आगे जाके आपको मैरिज डेफिनेटली है एंड रिकन्सिलिएशन है। तो प्रपोजल आपको जल्दी आएगा, आप हिम्मत ना हारे, आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आप हिम्मत रखें, और यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनल फुलफिलमेंट एंड अनकंडीशनल लव, और मैरिज का कार्ड है। तो पाइल नंबर टू, दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल नंबर टू चूज़ किया था, प्लीज़ भरोसा रखें कि आपके जो इंसान हैं अगर सेपरेशन में हैं या आप लोग उनसे बात नहीं कर रहे, कुछ झगड़ा हो गया है, तो वो रिलेशनशिप को नहीं छोड़ेंगे, आपसे शादी करना चाहते हैं ऑलरेडी, या तो आपके हस्बैंड हैं या आपसे शादी करना चाहते हैं, और बहुत जल्दी आपके सामने ये प्रपोजल लेके आएंगे और रिकन्सिलिएशन होगा। आपको ट्रू लव का कार्ड ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका है। आपको इस रिलेशनशिप के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछें, हम देखेंगे कि जो एंजल्स हैं वो आपको क्या आंसर देते हैं। तो प्लीज़ आपका क्वेश्चन सोचें इस रिलेशनशिप के बारे में और देखते हैं कि जो डिवाइन है वो आपको क्या आंसर देता है। प्लीज़ गिव द एग्जैक्ट करेक्ट आंसर विच इज़ इन द highest good for my friends who have chosen pile number 2. To give the exact answer to the questions. Thank you. Recovery. इसका रिकवरी है और रिकन्सिलिएशन है। तो जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर रिकवरी है। जो भी खराब हो गया था, जो भी टूट चुका था, जो भी गलत लग रहा था, जो भी रिलेशनशिप में खराब लग रहा था, टूटा हुआ था, वो सब रिकवर होगा। डिवाइन आपके साथ हैं, आपको ब्लेस कर रहा है, और रिकवरी जो है वो ज़रूर डेफिनेटली होगी। ठीक है, दिस इज सच अ वंडरफुल रीडिंग। इफ दिस डिड रेजोनेट, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। वॉट यू फोकस ऑन इज वॉट यू गेट, एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू। हाई, वेलकम बैक पाइल नंबर 3। लेट्स सी आपकी रीडिंग में क्या है। रीडिंग में जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर बींग हेयर। आप यहाँ आते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। अगर मेरे साथ फ्री रीडिंग चाहते हैं या प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं, उसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे हैं। अगर मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लेट्स गो अहेड एंड सी पाइल नंबर 3 की रीडिंग में क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग टैरो स्प्रेड आज हम करेंगे, जहाँ पे हम 9 कार्ड्स निकालेंगे और पूछेंगे कि आपका जो सिचुएशन है, आपका जो रिलेशनशिप है, उसका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या था, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या थिंक करते हैं,
चाहते क्या हैं इस रिलेशनशिप से, उनके बारे में आपको क्या जानना चाहिए, ये रिलेशनशिप को लेके आपके लिए एडवाइस और आउटकम। तो 9 कार्ड्स हैं और बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है और आपके हर सवाल का होपफुली मैं जवाब दे पाऊंगी। ऑल राइट, तो लेट्स गेट इन टू दिस रीडिंग। अगेन, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, अगर नहीं होता तो प्लीज़ आप पाइल नंबर 1 या 2 भी देख सकते हैं। आर्क एंजल माइकल, माई गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज़ गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस फॉर माई फ्रेंड्स हु हैव चूजन पाइल नंबर 3। थैंक यू। राइट, तो वी विल बिगिन विद द ओवरऑल मैसेज। Manifesting miracles. Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow your guidance. जैसे मैं हर वक्त कहती हूँ कि keep your energies and vibrations high. जिसके बारे में आप सोचेंगे वही आपको मिलेगा। तो यहाँ पे इतना clearly दिखा है कि right now आप और आपके partner शायद एक दूसरे को manifest कर रहे हैं और बहुत जल्दी कोई miracle आपके life में ज़रूर आएगा। ये हम as the reading goes along देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप का पास्ट सिचुएशन क्या था, पास्ट में आपका रिलेशनशिप कैसा था। लेट्स फाइंड आउट व्हाट वाज द पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट ऑफ योर रिलेशनशिप। वाह, सन का कार्ड है यहाँ पे, इसका मतलब है कि बहुत इन्जॉय किया है आपने एक दूसरे के साथ पास्ट में। आपका रिलेशनशिप एकदम परफेक्ट रिलेशनशिप था, खुश थे। हाँ, आप शायद शादीशुदा हो सकते हैं, शायद आपके इकट्ठा बच्चे भी हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर लियो हो सकते हैं। मेजर अरकाना है तो पास्ट सिचुएशन आपका जो रिलेशनशिप का था मोर देन परफेक्ट था। एक दूसरे के साथ बहुत इन्जॉय किया, एक दूसरे के साथ खिलखिला के हंसे, रोमांस किया, एक दूसरे के साथ ट्रैवल किया। इट वॉज ऑलमोस्ट अ परफेक्ट रिलेशनशिप। प्रेजेंट में आपका रिलेशनशिप क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट ऑफ योर रिलेशनशिप। पाइल नंबर 3, 1 कार्ड प्लीज। व्हाट इज द प्रेजेंट ऑफ योर रिलेशनशिप, 1 कार्ड प्लीज। इतने नहीं चाहिए। व्हाट इज द प्रेजेंट ऑफ योर रिलेशनशिप। ओ या, 10 ऑफ सोर्ड्स, कंप्लीट ब्रेकअप दिख रहा है मुझे। या तो डिवोर्स या कंप्लीटली ऑन अ ब्रेक। कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में ऐसा हुआ है कि आप शायद एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहते हैं, गुस्सा है एक दूसरे से, नाराज़ है एक दूसरे से, और बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में शायद आप होंगे। पाइल नंबर 3, ओके, लेट्स सी मूविंग ऑन। आपके जो पार्टनर है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनका इस रिलेशनशिप के बारे में क्या विचार है। पाइल नंबर 3 पर्सन्स thoughts about this situation. Pile number 3 is person's thoughts about, 1 card please. Magician, okay. वो चाहते हैं एक नई शुरुआत, वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप में जो कुछ बिगड़ा था उसको चेंज करें, चाहते हैं कि जिन कारणों से शायद ये रिलेशनशिप टूटा था वो चीज़ें हम चेंज करें और एक नई शुरुआत करें। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं वो एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में चाहते हैं। मैनिपुलेशन का भी कार्ड होता है कभी, जब मैजिशियन आता है। ऐसा भी शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ऐसी अल्टीमेटम दिया है या ऐसी धमकी दी है कि जब आप मेरे पास आओगे तो मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे आओगे, जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ ये रिलेशनशिप में, अगर ऐसा ही आप करने के लिए तैयार हैं तो मैं ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाऊँगा या बढ़ाऊँगी। लेकिन मैनिफेस्टेशन का कार्ड है यहाँ पे और यहाँ पे आपको ओवरऑल एनर्जी भी आई थी मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। तो लेट्स बी पॉजिटिव एंड सी कि आगे रीडिंग में ये कैसे जाता है। एक मिनट में थोड़ा पानी पी लूँ प्लीज़। आपके बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट डज ही थिंक अबाउट यू और व्हाट डज शी थिंक अबाउट यू एंड व्हाट डज ही और शी फील अबाउट यू। तो दोनों कार्ड्स निकालेंगे इकट्ठा। व्हाट डज बोलने के लिए मैं ही कहती हूँ, बट यू कैन यू नो एक्सचेंज एनर्जी। व्हाट डज योर पार्टनर फील एंड थिंक अबाउट पाइल नंबर 2। व्हाट डज पाइल नंबर 2 पार्टनर फील एंड थिंक अबाउट पाइल नंबर 2।
what does pile number 2's partner feel and think about pile number 2, please? Okay, what does he feel? सोचते क्या हैं एंड अभी फील क्या करते हैं. वन मोर कार्ड. ओके, राइट नाउ आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं. उनको नहीं समझ में आ रहा कि आपके बारे में क्या सोचें. शायद उनको ये लगता है कि आप कंफ्यूज रहते हैं, आपको पता नहीं है आपको रिलेशनशिप से क्या चाहिए है. अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस थे शायद आपके रिलेशनशिप में और वो शायद पूरा कर नहीं पाए. आपके पार्टनर को लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं जो काफ़ी टेंशन लेते हैं, काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं, हर चीज़ में हर चीज़ का जो बोझा है या हर चीज़ का जो बर्डन है वो आप लेके घूमते हैं, आपके शोल्डर पे लेके घूमते हैं. ऐसा लगता है उनको कि राइट नाउ कि आप ऐसे इंसान हैं जो शायद रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर पा रहे और बोझ के तले में भी बच्चों का बोझ है, काम का बोझ है, पेरेंट्स का है, इन लॉज का है, किसी भी चीज़ का बोझ है. वो बोझ के तले आप दबे हुए हैं और राइट नाउ उनको ये लगता है कि शायद आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं या आपके लाइफ में काफ़ी ऑप्शंस हैं और आप हर दूसरे जो आपके लाइफ में जो दूसरे ऑप्शंस हैं आप उनकी तरफ जाके आपके पार्टनर को इग्नोर कर रहे हैं. आगे देखते हैं आपके पार्टनर ये रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं. फाइल नंबर 2 के पार्टनर इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं. फाइल नंबर 2 इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं. व्हाट डज ही वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. व्हाट डज ही वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. ओके, 2 कार्ड्स हैव कम आउट. अगेन आपके जो पार्टनर है ना वो काफ़ी कंट्रोलिंग है. जिनके बारे में आप सोच रहे हैं चाहते हैं कि आपको ही चाहते तो आपको ही हैं लेकिन चाहते हैं कि जब आप उनके साथ हो तो जैसा वो कहते हैं आप वैसा ही करें. स्टेबिलिटी शायद चाहते हैं, फाउंडेशन चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो ये रिलेशनशिप को आगे तभी लेके जाएंगे या ये रिलेशनशिप में वो खुश तभी होंगे जब आप उनकी बात मानोगे. आपकी बात मानने में वो उनको खुशी नहीं मिलती है, उनको थोड़ा सा शायद ईगो प्रॉब्लम आता होगा और हर चीज़ का कंट्रोल आपके अपने साथ ही रखना चाहते हैं. फाइनेंशियली, इमोशनली, फिज़िकली हर टाइप में वो चाहते हैं कि वो कंट्रोल अपने साथ रखें. प्लस आई थिंक उनको रिलेशनशिप में जो है बहुत स्टैग्नेशन, बोर फील करते हैं रिलेशनशिप में, स्टैग्नेंट फील करते हैं रिलेशनशिप में और शायद वो इसके कारण भी हो सकता है. बिकॉज़ आपके बारे में क्या फील करते हैं, सोचते हैं तो ऐसा आपके बारे में यही फील करते हैं, यही सोचते हैं कि आप ऐसे इंसान हैं जो उनको ज़्यादा अटेंशन नहीं देते, काफ़ी चीज़ों में कन्फ्यूज़ हैं, बाकी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, उन पे फोकस नहीं करते और बाकी चीज़ों के कारण स्ट्रेस लेके अपने पार्टनर को इग्नोर करते हैं. ये उनका मानना है, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है. लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो जब फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है और फोर ऑफ सोर्ड्स का जब कार्ड आता है तो इसका यही मतलब है. दोनों कार्ड्स यहाँ, ये तो डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है और ये कार्ड अगेन, फोर इज़ ऑल्सो ऑफ मैनिफेस्टेशन, फोर मीन्स ऑल्सो ऑफ यू नो स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन. लेकिन जो बाकी की रीडिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है ऐसा दिखता है कि आपके जो पार्टनर हैं चाहते हैं कि आप सिर्फ सारा फोकस और अटेंशन उन पे दें और जैसा वो चाहते हैं वैसे ही रिलेशनशिप में वो लोग आगे बढ़ें. ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट कि आपके पार्टनर के बारे में आपको क्या जानना चाहिए. व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट योर पार्टनर. आपके पार्टनर के बारे में आपको क्या जानना चाहिए. व्हाट डज पाइल नंबर 3 नीड टू नो अबाउट द पार्टनर. ठीक है, ओके, वी जस्ट नीड वन कार्ड. काफ़ी हार्ड वर्किंग है आपके पार्टनर, चाहते हैं कि रिलेशनशिप पे काम हो. अपने प्रोफेशन में जो हैं वो काफ़ी
एफर्ट डालते हैं, काफ़ी स्किल्ड हैं, जो भी उनका प्रोफेशन है उसमें वो काफ़ी हाई दर्जे पे होंगे या काफ़ी नॉलेजेबल होंगे, इंटेलिजेंट है, और उनको हर चीज़ पे गौर फरमाना अच्छा लगता है। जो भी वो काम करेंगे चाहते हैं कि वो काम परफेक्ट हो, और शायद उसके कारण भी आपके रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है कि वो चाहते हैं कि हर चीज़ उनकी तरह ढंग से हो, उनके जैसे हो, या तो फिर नहीं होनी चाहिए, ऐसे वो इंसान लग रहे हैं। आपके लिए एडवाइस क्या है? व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू मूविंग अहेड इन दिस रिलेशनशिप? फाइल नंबर 3 के लिए एडवाइस क्या है मूविंग अहेड इन द रिलेशनशिप? वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, इसका यही मतलब हो सकता है एंड ऑफ अ साइकिल एंड अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू साइकिल। आगे जाके देखेंगे रोमांस एंजल्स के भी जब कार्ड हैं तब इसका क्या मतलब है। इट कुड मीन दैट टोटल सेपरेशन हो जाए आपका, आप और आपके पार्टनर इकट्ठा ना आए और आप एक नया प्यार आपके लाइफ में मैनिफेस्ट करें, या आप और आपके पार्टनर डिसाइड करेंगे कि नहीं, जो पिछली बातें हैं उसको भूल के आगे जाना चाहिए। ये आपका आया है एडवाइस के कार्ड में। तो जब ये एडवाइस के कार्ड में आता है तो इसका यही मतलब है कि आपको एक जगह पे ठहर के नहीं, एक जगह पे आप रुके ना, आपके बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचें और देखें कि क्या करना है। आपका थोड़ा सा नेचर यहाँ पे लग रहा है कि आप टेंशन लेते हैं, हर चीज़ के बारे में वरी करते हैं, तो वर्ल्ड का कार्ड यही आपको एडवाइस देता है कि फ्यूचर के बारे में सोचें और देखें कि ये जो आप जहाँ पे आप हैं उससे आप आगे कैसे निकल सकते हैं। आपके पार्टनर का ना वेट करें, आप सोचें कि आपको ये रिलेशनशिप से क्या चाहिए है और आपको आगे कैसे बढ़ना है। ये आप कंट्रोल आपके हाथ में लें और देखें कि ये साइकिल को बदल के या तो एंड करके आगे जाएं या रिकन्सिलिएशन की तरफ बढ़ें। व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन? व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप फॉर फाइल नंबर 3? व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन और रिलेशनशिप फॉर फाइल नंबर 3? हर्मिट कार्ड है, ठीक है। हर्मिट कार्ड का ये मतलब है कि जो नियर आउटकम है या नियर फ्यूचर है, आप दोनों अकेले अकेले गौर फरमाते रहेंगे कि ये रिलेशनशिप के बारे में क्या करना है। आप नहीं सोच पाएंगे कि डिसीजन राइट नाउ क्या डिसीजन लेना है। लोनलीनेस का कार्ड है, आइसोलेशन का कार्ड है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी आपको अकेले लगेगा, अगर आप सेपरेटेड हैं तो भी आपको लोनली लगेगा। राइट नाउ हर्मिट कार्ड जो है, यू कुड बी डीलिंग विद वर्गो, लेकिन जब हर्मिट कार्ड आता है तो इसका यही मतलब है कि आप और टाइम लेंगे डिसाइड करने के लिए कि आगे कैसे जाना है, और वो टाइम में आपको बहुत अकेला या लोनली फील होगा। आई एम सॉरी पाइल नंबर 3, लेकिन लेट्स सी रोमांस एंजल से क्या है। कीप एन ओपन माइंड है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ हैं एंड प्लेफुलनेस है। तो आई थिंक अगेन दिस इज़ टाइंग इन सो ब्यूटिफुली विद द रिलेशनशिप। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप का जो एंड हुआ था वो इसी के कारण हुआ था। एक पार्टनर को लग रहा है कि काफ़ी कंट्रोल इश्यूज़ थे इस रिलेशनशिप में, या तो पैसे के मामले में, प्यार के मामले में, और किसी को एक इंसान को ये रिलेशनशिप में लग रहा था कि वो दूसरे इंसान को कम्प्लीटली कंट्रोल कर रहा है, फ्रीडम नहीं मिल रही थी, और लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज यहाँ पे हैं। प्लेफुलनेस का कार्ड है जो आपके रिलेशनशिप के स्टार्ट में था, लेकिन मूविंग अलोंग बिकॉज ऑफ अदर बर्डन्स, बिकॉज ऑफ अदर स्ट्रेसेस, जो भी आपकी सिचुएशन हो सकती है, जो रिलेशनशिप का जो रोमांस था वो पूरी तरह डेड हो गया था और ये रिलेशनशिप एंड हो गया है। कीप एन ओपन माइंड है यहाँ पे, जिसका यही मतलब है एंड मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। सो आई थिंक वॉट दिस इज ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर ये रिलेशनशिप आपका एंड होता है, राइट नाउ जो आउटकम में तो यही है कि आप लोग इकट्ठा हो के भी आप लोगों को अलग लग रहा है, और यू आर नॉट बीइंग एबल टू डिसाइड हाउ टू मूव अहेड। इसीलिए राइट नाउ वॉट यू नीड टू डू इज़ कीप एन ओपन माइंड, ज़बरदस्ती ना करें, टेक योर टाइम टू थिंक, गो इन टू सॉलिट्यूड, एकांत में जाके सोचें कि आपको किससे खुशी मिलती है, और फिर आगे
बढ़े। एडवाइस आपके लिए एक्सेप्टेंस है, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। तो जो आपको चीज़ें, आप ये बहुत पॉजिटिव कार्ड हैं, जो आप रिलेशनशिप में चीज़ों को चेंज नहीं कर सकती उसको आप एक्सेप्ट करें। आई नो द रीडिंग इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट, रीडिंग थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन लाइफ लेसन्स हैं जो, आई एम सॉरी बाहर बारिश हो रही है, अगर डिस्टर्बेंस होगी तो। एक्सेप्टेंस का कार्ड था, सॉरी वीडियो कट करना पड़ा। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। तो आपके रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि उसको एक्सेप्ट करें। अगर आप पॉजिटिवली थिंग्स को चेंज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं तो बढ़े, अगर नहीं कर पाते तो राइट नाउ तो टेक द टाइम, गो इन टू सॉलिट्यूड, एकांत में जाइए, सोचें कि आपको आपके लाइफ से क्या चाहिए, ये रिलेशनशिप से क्या चाहिए है, और फिर म्यूचुअली डिसाइड करें कि आप लोगों को आगे कैसे जाना है। फॉर्च्यून रीडिंग कार्ड से आपको मैसेज है आउल, ये मैसेज पढ़ते हैं। देर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। तो पाइल नंबर थ्री, मुझे यही दिखता है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसमें रिकन्सिलिएशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो ये उन्हीं के लिए रेजोनेट होगा जो ऑलरेडी ऑन अ ब्रेक हैं, सेपरेटेड हैं या डिवोर्स्ड हैं। तो ये रिकन्सिलिएशन नहीं होगा, और ये अच्छे के लिए ही है, बिकॉज आप और आपके इंसान कोई यहाँ पे सही नहीं है या गलत नहीं है, लेकिन आप और आप जिनके बारे में सोच रहे हैं बहुत अलग अलग हैं। शायद आपके पार्टनर आपसे कुछ ऐसी चीज़ें चाहते हैं रिकन्सिलिएशन के लिए जो आपके लिए सही नहीं होगा, जो आपका दिल या मन कहता है कि ये सही नहीं है मुझे करने के लिए, और आपकी दिल की सुने। कोई स्पिरिचुअल मैसेजेस हैं जो आपको ये रिलेशनशिप से लर्न करनी है, कुछ स्पिरिचुअल लेसन्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, और इस रिलेशनशिप से आप जब बाहर निकलोगे तो आप और मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्ट्रांग होगे। लाइफ लेसन जो है, आपने जो सीखना था आप वो सीख के आगे जाओगे। आप ये रिलेशनशिप में, आपके कंट्रोल में है, आप आपका पावर ये रिलेशनशिप में लेके एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर थ्री। पॉजिटिव, मेरे हिसाब से पॉजिटिव रीडिंग है, बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस, जब आप इसमें से बाहर निकलोगे तो आपको यही खुशी होगी कि जो इंसान मेरे से कुछ गलत चाहता था वो मैंने, अगर ये इंसान आपसे प्यार करता है तो क्यों आपसे ऐसी चीज़ें करवाएगा जो आप, जिनसे आपको खुशी नहीं मिलती है, क्यों आपको कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। तो जब आप ये रिलेशनशिप से निकलोगे तो यू विल ग्रो, कम आउट ऑफ इट बींग अ मोर स्ट्रॉन्गर पर्सन। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर थ्री। एज ऑलवेज प्लीज टू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई, वॉट यू फोकस ऑन इज वॉट यू गेट, एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू।